हेलो साथियों, नमस्कार। जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है, ये पुरस्कार ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान को लेकर के, और हमने ये सोचा कि क्यों ना इस सेगमेंट को भी करा दिया जाए। जो अभी आई दृष्टि आई है उसमें जो पुरस्कार और सम्मान वाला सेक्शन है, तो उसको भी इसमें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम और कुछ सम्मानों की बात करेंगे। तो ये लगभग 4-5 वीडियो सम्मान से संबंधित हो जाएंगे आप लोगों की, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं जो जो ई दृष्टि या आई दृष्टि जो है, जो बुक आती है घटना चक्र की, उसमें सम्मान और जो पुरस्कार है, वो सम्मान और पुरस्कार में क्या क्या है और किन किन को कौन सा सम्मान मिला है, यहां से हम थोड़ा सा जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए हुए। ये सम्मान के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, याद होगा यदि आपको, कि हमारा पहला, चूंकि ये पहला है इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और हम इसको रिवाइज करेंगे। ये ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं बट फिर से यहाँ पे चूंकि आ गया है तो हम इसको रिवाइज करेंगे, राइट। अब देखो, एक एक करके एक एक चीज हम देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये नाम क्या है पुरस्कार का, पुरस्कार का नाम आप देख पा रहे होंगे कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 है, ठीक है, पहला है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है इसलिए ये श्रेणी भी पूछी जा सकती है कि कितनी श्रेणियों में दिया गया। तो ये 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पहले श्रेणी को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला विज्ञान रत्न पुरस्कार। सो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था, है ना। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जो प्रोफेसर हैं गोविंद्र राजन पद्मनभ के लिए इनको ये मिला है। और क्या है इनका क्षेत्र, क्या है, बायोलॉजिकल साइंसेस से संबंध रखते हैं गोविंद राजन। तो ये नाम याद रखेंगे हम, नाम कौन सा याद रखना है, विश्व विज्ञान रत्न पुरस्कार का, ठीक है। विज्ञान श्री पुरस्कार बहुत सारे लोगों को मिला है, आप देख पा रहे होंगे कई सारे लोगों को। तो इनके एक बार नाम आप पढ़ सकते हो, डॉक्टर जैसे आनंद रामकृष्णन सिंह है, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी है, प्रोफेसर उर्मेश वार्ष्णेय है, प्रोफेसर जयंत भालचंद है, और उद्गावांकर है, प्रोफेसर सैयद बजी है, और उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह है, प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि है, उसके बाद प्रोफेसर राहुल मुखर्जी है, डॉक्टर संजय बिहारी है, और प्रोफेसर लक्ष्मण मधुस्वामी है, और डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है, अंतरिक्ष विज्ञान निगम प्रौद्योगिक संबंध रख रहे हैं, और उसके बाद जो है वो है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव और नवा कुमार मंडल। तो ये सारे नाम याद रखना संभव नहीं है, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, ये विज्ञान रत्न पुरस्कार जरूर याद रखना कि किसको मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण बात करेंगे नेक्स्ट पुरस्कार के संदर्भ में, तो विज्ञान युवा, इसी क्रम में है ना, क्योंकि 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है तो श्रेणी है। तो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसमें भी आप देखो कि मल्टीपल लोगों को मिला है, तो इनके एक बार आप नाम देख सकते हो, ठीक है, एक बार नाम देख सकते हो ये कितने लोगों को पुरस्कार मिला है, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर जरूर याद रखना, 18 लोगों को मिला है कौन सा पुरस्कार। सो पुरस्कार का नाम आप देखोगे कि विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसी तरीके से विज्ञान श्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला है ना, यदि हम बात करें विज्ञान श्री पुरस्कार, तो इनमें नंबर ऑफ जो पीपल कितने रहे हैं वो जरूर याद रखना, सबके नाम याद नहीं हो सकते लेकिन नंबर कितना है ये याद रखना। और ऐसी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जब नंबर्स की बात आती है। यूपीपीसीएस जो कमीशन है ना, वो नंबर से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ओके। सो नंबर्स जो है उनसे मोहब्बत करती है यूपीपीसीएस, तो इसको हम याद रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान टीम पुरस्कार किसको मिला है, तो ये इसरो की टीम को मिला है, और इसरो की टीम कौन थी, जो चंद्रयान 3 के लिए काम कर रही थी, इस टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला है। ऑलरेडी हम एक कवर कर चुके हैं, एक तरीके से आपका एक रिविजन हो गया। हम राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 के बारे में ही बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार बात करेंगे, ठीक है। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है, तो प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को मिला है ये पुरस्कार। और ये पुरस्कार भी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, भारतीय
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी इंसा के द्वारा ये दिया गया है। ठीक, सॉरी, इंसा के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है याद रखा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, अब देखो आजीवन उपलब्धि के लिए मिला है प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को। यदि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार पूछा जाए तो ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि क्या है ये युवाओं से संबंधित है, तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है, तो ये जो है IISER तिरुवनंतपुरम के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है। सो डॉक्टर आशुतोष पांडे को ये पुरस्कार मिला है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड मैं आपको बता दूं ये कहां पे प्रदत्त किए गए, मुंबई में दिए गए, कब की बात है 29 अगस्त 2024 की बात है। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनटेक फाइनेंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स है या स्टार्टअप्स है, यहां से सवाल पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है, तो आप इसको जरूर देखेंगे। फिनटेक अवार्ड जो है आप देखेंगे, फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है पेलगोकल को मिला है ये अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर, अब दोनों चीजें अलग अलग है ना, तो फिनटेक स्टार्टअप यानी ऐसी कौन सी स्टार्टअप है जो फिनटेक स्टार्टअप है और जिसको पूरे ईयर की अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे ईयर भर में, तो वो है पेगलोकल, है ना, पेगलोकल है। या उसके बाद फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो यह है समीर निगम जो कि सीईओ है फोनपे के। ठीक है, फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल, देखो भारत की बात करें तो भारत में जो है समीर निगम रहे हैं जो कि सीईओ है फोनपे के। यदि आपसे पूछा जाए फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल, देखो दोनों चीजें अलग है ना, वैश्विक स्तर की बात हो रही है और ये भारत के स्तर की बात हो रही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मेलिसा फ्रैंकमैन को मिला है ये पुरस्कार जो कि सीईओ है एम्फसिस वेंचर के। ठीक है, छोटी छोटी बातों को हमें बिल्कुल आइसोलेट करना है कि ये देखो भारत का अवार्ड है या भारत के संदर्भ में बात हो रही है, फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, पूरे विश्व लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण अवार्ड को हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सा है। सो एक एक करके चलते चलते हैं और सारे अवार्ड से यहाँ पे आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर, आप देख लो इंपॉर्टेंट है, फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर शालिनी वारियर को मिला है जो कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यानी कार्यकारी निदेशक है फेडरल बैंक की। ठीक, तो फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर, और आपको बता दूं ये जरूर पूछा जाएगा इस तरीके के प्रश्न जहां पे भी महिलाएं एक बड़े स्तर पे अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे सवाल एग्जाम के लिए अपने आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो नाम जरूर याद रखेंगे फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर भारत, भारत से तो ये शालिनी वारियर को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो हमने कल यदि आपने क्लास की होगी तो हमने इसके बारे में बात की थी, 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा ये घोषित किया है, जुलाई की बात है 2024 की। और इसमें आगे बात करें विषयगत पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है, तो विषयगत पुरस्कार हमने बताया आपको रेडियो मयूर को मिला है और जिला सारण बिहार, और एक कार्यक्रम चलाता है ये टेक सखी, ठीक, इसके लिए मिला है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि 500वां यानी 500th जो एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला गया है वो कहां पे खोला गया, 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहां पे खोला गया, कल मैंने बताया था, आप लोग प्लीज बताइए क्लास में, है ना। तो जो है सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार प्रथम, है ना, तो ये पुरस्कार आप देखोगे कहां पे मिला, किसको मिला है, तो ये मिला है यारला वानी सांगली महाराष्ट्र कहानी सुनंदाची को मिला है। ठीक, एक कार्यक्रम है कहानी सुनंदाची, इसको मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार रेडियो ब्रह्मपुत्र को मिला है डिब्रूगढ़ का जो की है, तो ये हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी, कल हमने ऑलरेडी बात की थी। उसके बाद स्थिरता मॉडल के लिए पुरस्कार किसको मिला है, प्रथम पुरस्कार है ये, तो बिशप बेंजिगर हॉस्पिटल सोसाइटी को मिला है। और आपको बता दूं कोल्लम केरल द्वारा ये संचालित रेडियो वेंचर है, बेंजिगर है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक बात हो गई। अब चलेंगे, एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार है, नाम जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये बाल साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हो रही है, 15 जून को हो रही है, किसके द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा,
हो रही है। बहुत बढ़िया, देखो सोम मिश्रा ने सही आंसर दिया था, मिजोरम आइजोल में 500 बार जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला गया है ना। तो ये भाई साहब ये इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग भी ना, याद रखो, आपसे ऑलरेडी पूछा है, कल बात हुई थी इस पे। हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को उनकी कहानी 51 बाल कहानियों के लिए मिला है ये पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के संदर्भ में बात हो रही है। हिंदी भाषा में किसको मिला है, देवेंद्र कुमार को उनकी कहानी बाल संग्रह जो है, एक उनका एक कहानी का संग्रह है जिसका नाम है 51 बाल कहानियां, मतलब बचपन से जुड़ी हुई 51 कहानियां हैं। अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है, उनकी ऐतिहासिक कथा संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो इसका भी हम नाम याद रख सकते हैं। आगे चला जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखो अभी ये हमने क्या बोला, ये बाल साहित्य पुरस्कार थे, अभी ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, तो इनकी भी घोषणा 15 जून को ही हुई थी, ठीक। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है गौरव पांडे जी को मिला है, बहुत बढ़िया, गौरव पांडे को मिला है हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार, और उनका एक कविता संग्रह है, और उन कविता संग्रह का नाम क्या है, ठीक है, वो है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखना है, ठीक। और के वैशाली अपने स्मरण पुस्तक होमलेस द गोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया हेतु अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो किसको, के वैशाली को, ठीक है, के वैशाली को मिला है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी कौन सा, युवा वाला, किसके लिए, उनका एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, ठीक, तो ये नाम भी हम याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है, मान लो एक तो साहित्यकार का नाम पूछ लिया जाएगा कि इसको ये मिला है, और साथ में उसी के साथ जोड़ दे कि किस चीज के लिए मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये दो तीन बार देखोगे इस चीज को तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है मिस टीन अवार्ड, सॉरी मिस टीन दिवा अवार्ड, ठीक, तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया काजिका लिज मेजो केरल को मिला है। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया की बात करें तो काजिका लिज मेजो जो कि केरल से है। मिस टीन यूनिवर्स है ना इंडिया, मिस टीन यूनिवर्स इंडिया कैरिसा बोपना को मिला है। मिस टीन अर्थ इंडिया तनिष्का शर्मा को मिला है, और उसके बाद मिस टीन ग्रैंड इंडिया तो केविन रॉ को मिला है। अब देखो हो क्या सकता है ऐसा कि हो सकता है कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों का चारों मिस टीन दिवा का अवार्ड को सीधा का सीधा ऐसे ही पूछ ले, और वो एक तरफ लिख दे मिस टीन यूनिवर्स इंडिया, मिस टीन अर्थ इंडिया, मिस टीन ग्रेट इंडिया, और यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दे, और वो पूछ ले कि आप बताओ इनमें से कितनी चीजें मैच सही है या कौन कौन सी मैचिंग इसमें ठीक है, या फिर प्रॉपर मैचिंग बना दे इसका। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 युवा आलोचक निशांत को प्रदत्त किया गया है, तो कौन सा, 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023, ठीक है, उन्हें यह पुस्तक, यह सम्मान किस लिए दिया गया, उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब पुरस्कार, ठीक है। 33वां सरस्वती, देखो अभी नया ट्रेंड बना, आपको बताऊं ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 अवार्ड एक साथ दे दे और उस तरफ दे दे किस किस को मिला है, और वो मैचिंग कराने के लिए कर दे। नए ट्रेंड में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हमें अब हमारी मजबूरी है कि हमें चीजों को याद करना है, एग्जैक्ट चीजें याद होनी चाहिए कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला। यहाँ 33वें सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि इनको मिला है अवार्ड, ठीक है। चलो सो पहली बात तो ये अवार्ड आपको बता दूं, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है। कौन ये देता है, तो हमने बताया के बिड़ला फाउंडेशन देता है, और किस लिए दिया गया, तो उनकी एक काव्य कृति है जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, है ना, रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें ये चुना गया है, पुरस्कार मिला है। कौन सा, 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो मलयालम भाषा के साहित्यकार है प्रभा वर्मा, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड, देखो इस बार ये बहुत नया हुआ, आपने देखा होगा है ना, चुनाव के पहले आई थिंक चल रहा था सब ना,
यह चुनाव के पहले ही चल रहा था, तो इस समय हो क्या रहा था कि जो क्रिएटर्स हैं, जो खासतौर पे यूट्यूब पे हैं या फिर अलग अलग फील्ड में जो जो डिजिटल इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई चीज कर रहे हैं, नया क्या मतलब, खासतौर पर इसमें जनरली हमने देखा कि जो जो सरकार के पक्ष में जो ज्यादा बात कर रहे हैं तो उनको ये सब अवार्ड दिए गए, ठीक है, खैर। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो अवार्ड्स मिलते हैं तो ये पहली बार ऐसे हो रहे हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई अवार्ड पहली बार आ रहा है तो उसका नाम हमें याद रखना है और वो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। तो पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कब दिया गया, 2024 में दिया गया, कब कहां दिया गया, प्रगति मैदान दिल्ली में दिया गया, कब दिया गया, डेट 18 मार्च को दिया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड दिया गया किसको, अभी और न्यू को, ठीक है, न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड। बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड मिला है जो है कीर्तिका गोविंद स्वामी को, ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है पंक्ति पांडे को, और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर को, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना भाई साहब, है ना, ये अभी हाईलाइटेड है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, बिहार की जो एक लोक गायिका, एक बच्ची है छोटी, है ना, और वो बहुत प्यारा गाती है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला है अवार्ड, ठीक है। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मल्हार कलाम्बी को मिला है, स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड, ठीक है। और शिक्षा की श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर अवार्ड मिला है नमन देशमुख को, शिक्षा की श्रेणी वाला भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड को देखते हैं, कुछ देखो अन्य जो राष्ट्रीय अवार्ड है उनको भी हम देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, एम आई राइट, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ये अभी जो हमने तुरंत खोला है ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख लो 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य जो पुरस्कार 2024 मिला है वो गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक कुमार प्रशांत को मिला है, ठीक है, और सितंबर 2024 में मिला है ये पुरस्कार। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल को ये पुरस्कार मिला है, अच्छी बात है। पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इस पुरस्कार का जरूर नाम याद रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि आपसे ऐसा ही पूछा जाता है ना कि जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जा रहा है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको मिला है, ठीक है। सो भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष जो है जिनका नाम है अनंत दर्शन शंकर को मिला है ई अवार्ड, ठीक है, नाम याद रखेंगे अनंत दर्शन शंकर को। प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य, अब चूंकि देखो पहली बार हो रहा है ना, प्रथम श्री लाल शुक्ल इफ्को युवाओं को पहली बार जोड़ रहा है, तो युवा साहित्य सम्मान 2024 रेणु यादव को मिला है यह अवार्ड, ठीक है। संतो कावा मानवतावादी पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 के लिए अभय बांग एक रानी बांग को मिला था, 2021 के लिए साइरस पूनावाला को मिला था, 2023 के लिए शिव नादार को ये अगस्त में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो मतलब 2022 वाला पुरस्कार है वो अभी मिला है, ठीक है, अभी मिला है, याद रखना 2022 का पुरस्कार बस 2022 के लिए 2024 से मिला है शिवनादार को, ठीक है, शिवनादार, ठीक है, चलिए अच्छी बात है जी, सब दिख रहा है, ओके बहुत बढ़िया। अब मिस अर्थ इंडिया, देखो सब चीजें ये अलग अलग होती है, इनके अलग अलग भी नाम याद रखना होता है। मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार 2024, ठीक, तो ये किसको मिल रहा है, मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार 2024, तो ये मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को मिला है अगस्त में पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, तो ये मिला है राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को, ठीक है, ये याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार, अगेन फिर से महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसको मिला है, तो ये याद रखें, तो ओमान चांडी फाउंडेशन द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पुरस्कार मिला है, और मैं बताऊं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी, जुलाई में दिया गया पुरस्कार, और 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका जो है जिनका नाम है डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है, किसका, 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार, ठीक, ये भी हम याद रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है 2024 का, तो वन्य जीव पर आधारित फिल्म निर्माण करने वाले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका नाम है सुमैया नलमुथु, ठीक है, सुमैया नलमुथु, इनको किसको, बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिला है इनको। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंट के संस्थापक एवं सीईओ चंद्रकांत सतीजा को मिल रहा है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है आपको, बता दो अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। आपको बताऊं ये पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मोदी जी को मिला था, ठीक है। अब किसको मिला है, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है, याद रखना। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है ना, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके थे इस पुरस्कार के बारे में, है ना, किसके द्वारा, मानवतावादी पुरस्कार टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया है, है ना। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला है, रतन टाटा साहब को मिला है। बहुत ही शानदार व्यक्ति है, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 म्यूजिक अकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी एम कृष्ण को यह पुरस्कार मिल रहा है। उसके बाद चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा ये स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार को और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार ऋतिका चोपड़ा को मिला है पुरस्कार। तो दो लोगों को मिला है, आप देखें तो ग्रीष्मा कुठार को और ऋतिका चोपड़ा को यह पुरस्कार मिला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको मिल रहा है, तो टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा साहब को, ठीक है। तो रतन टाटा साहब को क्या मिला है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी मिला है। उसके बाद 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको मिला है, 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो आप देख रहे हो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। कौन सा, 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संबंध है ना, तो इसीलिए जरूर याद रखना किसके, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज की भौतिक विज्ञान में कार्यरत है ये प्रोफेसर, तो इनका नाम याद रखना, अदिति सेन डे को ये प्रदत्त किया गया पुरस्कार। 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया काव्य पुरस्कार प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री अरुणदत्ति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार मिला है, 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया काव्य पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये मैं बताऊं एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक। सो पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 उत्तर प्रदेश दिवस पर, उत्तर प्रदेश दिवस का वो तो आपको पता है 24 जनवरी है ना, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर दो हस्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो एक तो इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिथल श्रीवास्तव को और उद्यमी नवीन तिवारी को यह पुरस्कार दिया है। तो दो लोगों को पुरस्कार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सके उतना लिख लो, ठीक है। तो ऋतु करिथल को मिला है जो कि इसरो की वैज्ञानिक है और साथ साथ में नवीन तिवारी जो कि एक उद्यमी है, एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, अच्छी बात है। अगेन नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पुरस्कार, तो 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यस। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो ये आप देख रहे हो कि ये पुरस्कार 2023 के लिए है ना, जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है ये पुरस्कार। और किस लिए मिला है, दो भाषाओं यथा संस्कृत के लिए राम भद्राचार्य के लिए मिला है और उर्दू के लिए गुलजार को यह प्रदत्त किया है। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला है, तो आप बोलोगे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। उसके बाद दूसरा पुरस्कार यानी उर्दू भाषा के लिए 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो वो गुलजार के लिए मिला है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पुरस्कार है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022,
ठीक, तो दिया गया 2024 में, लेकिन पुरस्कार का नाम जरूर याद रखेंगे 9 फरवरी को यह प्रदत्त किया गया। और विश्व भारती पुरस्कार, देखो इसमें कई सारे पुरस्कार है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 में अलग अलग पुरस्कार है, जैसे कि विश्व भारती पुरस्कार सो प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को, जो कि जबलपुर से है मध्य प्रदेश से, और इनका 5,01,000 रुपए की ने जो है राशि दी गई, 5,01,000 ही है ना, 50,000 है ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, हाँ 5,01,000 रुपए की राशि, ठीक है। सो विश्व भारती पुरस्कार में कितना मिला है, हमने बोला 5,01,000 रुपए की राशि मिली है विश्व भारती पुरस्कार, प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी है जो कि जबलपुर के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर देवी सराय पांडे को मिला है, ठीक है, ये दीप अयोध्या से मतलब है, इनका दूसरे नाम से देखें तो अयोध्या से बिलोंग करती है, ठीक है। डॉक्टर सहाय पांडे, इनको कौन सा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार मिला है। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री को मिला है, जो कि वाराणसी से संबंध रख रहे हैं। उसके बाद महर्षि नारद पुरस्कार जो है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, जो कि वाराणसी से संबंध रख रहे हैं। आप देख रहे हो इस बात को, यदि एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए आपसे, है ना, मान लो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया गया, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति है जिनको जो विश्व भारती पुरस्कार मिला, जिसमें सबसे ज्यादा राशि होती है, वो प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को मिला, जो कि जबलपुर के हैं। तो आपको इस बात को एलिमिनेट, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, तो इस बात को जरूर देखा करो कि आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो, क्या आप इसमें से क्वेश्चन बना सकते हो या नहीं। यदि आप क्वेश्चन बनाने के सक्षम हो जाते हैं, यदि आप इस चीज को लेकर के सक्षम हो जाते हैं कि हाँ मैं क्वेश्चन भी बना सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं फिर आपकी जीत तय है, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि अब तरीका वही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो आपको इस चीज को क्लियर करना जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन के एग्जामिनर का जो माइंडसेट, उसको समझना जरूरी है कि आखिर वो किस तरीके से चीजों को कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है और कैसे सवाल बन रहा है। तो आप जरूर सोचा करो, जब भी केवल पढ़ने से नहीं होता है, आप जब तक एक अपने दिमाग में ये नहीं चलाओगे कि इस आखिर सवाल कैसे पूछे आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे आ रहे हैं और क्या इसमें मुख्य तत्व पर ध्यान दिया जाता है एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है, जब ये आप समझ जाओगे तो अपने आप चीजें आपकी ठीक होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में बात करें, पद्म पुरस्कार 2024 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए 25 जनवरी 2024 को। पर अब देखो कितने लोगों को कौन कौन सा पद्म पुरस्कार मिले, पद्म पुरस्कार में कौन कौन सा होता है, एक तो आपका देखेंगे तो पद्म विभूषण होता है, ठीक, और एक पद्म भूषण होता है और एक पद्म श्री होता है, ठीक है। तो ये तीन पद्म पुरस्कार होते हैं और उनसे ऊपर होता है भारत रत्न, ठीक है। तो अब पद्म पुरस्कार देख लेते हैं, पद्म भूषण कितने दिए गए, 5 लोगों को दिए गए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को, 5 लोगों को। अच्छा, इसमें ये जरूर देखते रहो क्या कोई उत्तर प्रदेश का है, तो आप देखोगे जो वैजंती माला बाली कला के लिए दिया गया वो तमिलनाडु से है, उसके बाद कोनीडेला चिरंजीवी जो है कला से आंध्र प्रदेश के हैं, जो इनको दिया गया, उसके बाद एम वेंकैया नायडू जो लोक मामले आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है, उनके लिए, बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए, उसके बाद जो है पद्म सुब्रमण्यम को तमिलनाडु कला के लिए दिया गया और ये तमिलनाडु के हैं। यदि आपसे यदि पूछा जाए कि उत्तर इस वर्ष या 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को मिला है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं किसी को नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश के किसी को नहीं, टोटल 5 पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण में, और 5 कौन कौन से हैं वो अलग अलग, एक जो है आप देख रहे हो कि तमिलनाडु से कितने हैं, देखो तमिलनाडु के 2 तमिलनाडु से हैं आप देख रहे हो और 2 आंध्र प्रदेश से हैं, और बाकी एक बिंदेश्वर पाठक है जो कि बिहार से है, और ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, बीपीएससी में ये पूछा जा सकने की प्रबल संभावना है। आगे चलते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को मिला है, है ना, पद्म भूषण पुरस्कार कितने, 17 लोगों को मिला है, तो ये संख्या जरूर याद रखना, बाकी एक बार सरसरी नजर से आप यहाँ पे एक नजर डाल सकते हैं, क्या यहाँ पे आप देखो उत्तर प्रदेश का कोई है, पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम ढूंढो, है ना, यदि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे तो बीपीएससी बिहार का भी कोई नाम ढूंढो, तो यदि आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये जो 17 के 17 नेम है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र से हो गए, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, देखो बिहार से, तो बिहार से कौन है, बिहार से आप देख रहे हो तो ये मिला है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा से संबंध रख रहे हैं जो, तो एक इनको मिला है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पद्म भूषण पुरस्कार है, यहाँ तक कि इसमें उत्तर प्रदेश आप देख रहे हो कि कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक, कहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश, नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में भी इस बात को आपको समझ में आ गया,
कि हमारे पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिला है, ना तो पद्म भूषण ना ही पद्म विभूषण। आप समझ रहे हो भाई सब इस बात को, थोड़ा सा रिलेट करके चीजों को देखते चलोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना कितने लोगों को मिला है, तो ये 17 लोगों को मिला है, 17 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये संख्या जरूर याद रखना। आगे चलते हैं, अब पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, सो 110 लोगों को मिला है ये पद्मश्री अवार्ड, ठीक। सो अब इसमें कुछ कुछ हस्तियां हैं, तो टोटल 110 लोग, तो आप नाम याद नहीं रख सकते हो, चाहो तो आप याद कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जरूर याद रखो कि इसमें जो पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, तो इसमें कितनी हस्तियां हैं, तो टोटल 110 हस्तियों को मिला है पुरस्कार। टोटल कितने पुरस्कार, 110 मिले हैं। अब देखो पद्मश्री में उत्तर प्रदेश के कितने लोग रहे, तो 12 हस्तियां रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री में 12 है, पद्म विभूषण में एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं, और पद्म भूषण में भी, विभूषण और भूषण में एक भी नहीं है, यहां पे है एक केवल और केवल, ठीक है। इसमें कितने 12 हस्तियां हैं, अब कौन कौन से, इसमें खलील अहमद है कला से, नसीम बानो कला से, रामचंद्र चौधरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है, राधा कृष्ण श्रीधाम श्रीमान चिकित्सा से, और राजा राम जैन साहित्य एवं शिक्षा से है, उसके बाद गौरव जो है, गौरव खन्ना जो है खेल से है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा जो है मरणोपरांत ने मिला है कला से है, जो कि राधे श्याम पारिक चिकित्सा के लिए मिला है इनको, नव जीवन रसों की साहित्य एवं शिक्षा के लिए, और गोदावरी सिंह कला के लिए, और उर्मिला श्रीवास्तव कला के लिए, और 12वें नंबर पे बात करें तो बाबू रामदेव यादव को कला के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि मोटा मोटा याद रखना है, पद्मश्री 12 जो मिले हैं, टोटल पद्मश्री कितने हैं, तो हमने बोला कि 110 लोगों को मिला है, उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश के इसमें 12 लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, बाकी पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसी को, उत्तर प्रदेश के किसी को नहीं मिला है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और कितने बच्चों को ये प्रदत्त किया गया, ऐसी चीजें जरूर पूछी जाती है, कितने 19 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, 19 बच्चों को, कब मिला है, 22 जनवरी को, ठीक है। तो ये संख्या जरूर याद रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को। अब देखो नाम है इनके सबके अलग अलग है ना, तो आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत ने मिला है, महाराष्ट्र के हैं, वीरता की श्रेणी में इनको मिला है। अनुष्का पाठक जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारे लिए जरूरी है, तो अनुष्का पाठक जो कि उत्तर प्रदेश की, और कला और एवं संस्कृति में इन्हें कौन सा पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल के, कला एवं संस्कृति, अरमान उबरानी छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति, हेतवी कांतिबाई खिम सूर्या गुजरात कला एवं संस्कृति, और उसके बाद बात करें तो इस्फाक हामिद जम्मू एंड कश्मीर कला एवं संस्कृति, और मोहम्मद हुसैन बिहार से कला एवं संस्कृति, और ये नाम और चीजें याद रख सकते हो, सारे के सारे नाम एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो। सुहानी चौहान दिल्ली की है, नवाचार के लिए मिला है आर्यन सिंह, लेकिन आपको टोटल नंबर कितने हैं ये जरूर याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आदित्य यादव को मिला है खेल के लिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कितने हो गए, तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को मिला है, कितने बच्चों को मिला है, तो आप देखोगे कि एक तो हमने अभी बताया तुरंत अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति में मिला है, और उत्तर प्रदेश से यदि और कोई बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आदित्य यादव को खेल के लिए मिला है, और इस तरीके से यानी दो लोगों को, यानी 19 लोगों में से दो लोग है ना, 19 में से दो बच्चे जो है जो यूपी के भी है, ठीक है, दो बच्चे, ठीक है। ये अब आदित्य विजय को याद रखना, इसमें से ये भी पूछा सकता है कि निम्न में से किसके लिए मरणोपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, तो वो आदित्य विजय ब्राह्मणे को मिला है, जो कि महाराष्ट्र के वीरता के लिए मिला है, और केवल एकमात्र है जिनके लिए वीरता में मिला है पुरस्कार, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ चलते हैं, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक, कौन सा छठा, तो प्रसिद्ध कवियत्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को ये पुरस्कार दिया गया 19 दिसंबर 2023 में। उसके बाद यह सम्मान जो है उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड
पोएम्स के लिए दिया गया है। ये जरूरी है, ये पुस्तक का नाम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसमें पूछा जा सकता है कि हाल में ही सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स ये किसके द्वारा लिखी गई है, है ना, ये हाल में ही खबरों में रही, ठीक, ये आखिर किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं ना, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद तो किसके द्वारा आप बताओगे, सर सुकृता पाल कुमार के द्वारा ये लिखी गई है, प्रसिद्ध कवियत्री हैं, समीक्षक हैं सुकृता पाल कुमार, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए ये पुरस्कार मिला, कौन सा, छठा रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। उसके बाद 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, आपको बता दूं तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को यह पुरस्कार मिला है, और किसके लिए, तो उनका एक संस्मरण है जिसका नाम है यादें यादें, ठीक है, और यादें पूरा नाम क्या, यादें यादें और यादें, तो इसके लिए मिला है व्यास सम्मान, ठीक है, कौन सा, 33वां व्यास सम्मान, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम है पुष्पा भारती, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी घोषित किया गया 20 दिसंबर 2023 को, लेकिन अब देखना है कि किस किस को मिला है, तो इन पुरस्कार में शामिल है 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 लघु कथा और 3 निबंध और 1 आलोचना। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत जो अलग अलग है वो देख लेते हैं। अब देखो अगेन साहित्य अकादमी पुरस्कार को आपको जरूर याद रखना, ये 2023 के हैं, ठीक है, और कब, दिसंबर में दिए गए, तो अभी लेटेस्ट वाले जो 2024 वाले आएंगे वो दिसंबर में आएंगे, यदि पेपर दिसंबर में होगा तो हम उसको दिसंबर के संदर्भ में अपडेट कराएंगे, लेकिन चूंकि ये 2023 में है दिए गए तो 23 वाले हैं, अभी 24 वाले दिसंबर में आएंगे चूंकि, तो हम दिसंबर में अपडेट कर देंगे, ठीक। लेखक भाषा और रचना, ठीक, तो यहाँ पे आप देखो संजीव को मिला है हिंदी भाषा के लिए मुझे पहचानो उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है, कौन सा, तो पुरस्कार का नाम अभी हमने बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला है, तो और किस चीज के लिए मिला है ये भी देखना है। तो संजीव, अब देखो यहाँ पे बस यही है सवाल, मान लो सोच के देखो, ऐसा सोच के देखना है, यहाँ पे चार नाम एक तरफ दे दिया मैचिंग में ये, और एक तरफ दे दिया उपन्यास, एक तरफ दे दिया ये नाम, और एक तरफ दे दिया उनके जो है जो उनकी जो लेखन है किसके लिए क्या पुरस्कार मिला, तो जब तक हमने उसको नहीं पढ़ा होगा तब तक नहीं पता होगा एग्जैक्ट, है ना। तो संजीव को हिंदी भाषा के लिए मिला मुझे पहचानों के लिए, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, ठीक, और रैक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए मिला है, ठीक। उसके बाद अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए मिला है, और कविता है उन्होंने लिखी है शून्य मेघानम, ठीक है, शून्य मेघानम, और सादिक नवाब शहर को उर्दू में के लिए मिला है, और राजदेव की अमराई उपन्यास है, राजदेव की अमराई इसके लिए मिला है। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाजी मुदाली को मिला है, कौन सा, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022, है ना, तो दिया गया कब, नवंबर 2023 में दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली को मिला है ये पुरस्कार। नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, और लौह एवं इस्पात में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार रामेश्वर शाह को मिला है। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर निलोय कुंडू को मिला है, और युवा धातु विज्ञानी मेंटल साइंस पुरस्कार जो है वो अलीगंज को मिला है। उसके बाद द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, जेसीबी ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है काफी, ठीक। तो द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को ये प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार, याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, उन्हें ये पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास जिसका नाम है आलंदा पेची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ड के लिए मिला है, किसके लिए, तो एक तमिल उपन्यास है उनका, एक तमिल उपन्यास है इनका नाम है अलंदा पेची, उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाया किस नाम से, फायर वर्ड, इसके लिए पुरस्कार मिला है पेरुमल मुरुगन, ओके, कौन सा पुरस्कार, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में बात करें, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कल हमने पुरस्कार के बारे में बात की थी, तो CSIR के द्वारा ये दिया गया पुरस्कार सितंबर 2023 में, डॉक्टर अश्वनी कुमार मॉलिकुलर बैक्टेरियोलॉजी लेबोरेटरी के जो है डॉक्टर अश्विनी कुमार को जैव विज्ञान के लिए मिला है पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मनिका सुब्बा रेड्डी को लेबोरेटरी सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट
डायग्नोस्टिक हैदराबाद की है उनको मिला है। ठीक, अब रसायन के लिए किसको मिला, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप चाहो तो प्रीवियस क्लास देख सकते हो जो हमने की है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रसायन के लिए डॉक्टर अकाटू टी बीजो को मिला है और डॉक्टर देवव्रत मैती को मिला है, ये कौन सा रसायन के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट पुरस्कार कि पृथ्वी वायुमंडल महासागर एवं गृह विज्ञान है ना, ये पुरस्कार किसको मिला है तो डॉक्टर बिमल मिश्रा को मिला है। उसके बाद इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए किसको मिला है तो डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को और रजनीश कुमार को। गणित के लिए अपूर्वा खरे को मिला है जो कि आईआईएससी बेंगलुरु की जो है क्या है से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कुछ पुरस्कार आपसे बात किए। ठीक, कुछ कुछ पुरस्कार अभी बात करें। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को मिला है ये। भौतिक विज्ञान में तो डॉक्टर अनिद्या दास को मिला है और डॉक्टर वासुदेव को दासगुप्ता, डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता को भौतिकी के लिए मिला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है ये जून 2023 में दिया गया था। ठीक, और गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला था तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। सो 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, ठीक ये अगस्त में इसकी घोषणा हुई, आपको पता होना चाहिए। तो ये पुरस्कार किसको मिला है, ये रेमन मैग्सेसे के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे आपको, लेकिन अगेन फिर से हम एक बार बात कर रहे हैं। तो 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसको मिला है, कैसे मिला है, तो आपको बता दूं ये जो है फियोन्सो कर्मा जो कि भूटान, ग्वेंथी नेवको जो कि वियतनाम और फरहान बरविचा इंडोनेशिया और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड एंड मियामजाकी हायो जापान, इनको ये मिला है रमन मैग्सेसे। ठीक, तो आप देख रहे हो एक, ठीक दो, उसके बाद आप देखेंगे तीन और चार और पांच लोगों को ये पुरस्कार मिला है। कितने, पांच लोगों को 66वां रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। क्या इसमें से कोई भारतीय है तो आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, ये पांच लोगों को मिला है। ठीक, भूटान के जो है जिनका नाम है फिस, तो ये हो गई हमारी बात किससे संबंधित, हमने बात की है। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आप तो ये कितने हो गए, हमने बोला कि ये टोटल पुरस्कार कितने हो गए तो पांच दिए गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो जर्मन लेखिका जेनी अपर्नबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा जो है अनुवादित संन्यास कायरोस को मिला है ये पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है हमारी परीक्षा के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है हमारी परीक्षा के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको मिला है तो जर्मन लेखिका है जिनका नाम है जेनी अपर्नबेक, ठीक है, इनके द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन के द्वारा अनुवादित उपन्यास जिसका नाम है कायरोस को मिला पुरस्कार। कायरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बनी है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। आप प्लिट्जर पुरस्कार देखेंगे तो आप जानते हो पत्रकारिता की श्रेणी में या पत्रकारिता की क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और यहां तक इसे कहा जाता है कि ये जो प्लिट्जर पुरस्कार है इसे हम कहते हैं कि ये एक पत्रकारिता का नोबल पुरस्कार है। ठीक है, तो अब देखो किसको मिला है, तो ये पत्रकार का क्षेत्र में लोक सेवा के लिए प्रो पब्लिका के लिए मिला है ये पुरस्कार। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ लुकआउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया के लिए मिला है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम और हन्ना डेयर को मिला है और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्कर की सराह स्टिलमैन को मिला है। लोकल रिपोर्टिंग में बात करें तो सिटी ब्यूरो की सराह कानवे और इनविजिबल इंस्टीट्यूट की टीना रोनाल्ड टायर को मिला है। ठीक है, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स एंड
स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट के लिए मिला है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए मिला है। ठीक, तो ये अलग अलग श्रेणी है इसमें, ठीक, यानी जो पुलित्जर पुरस्कार की अलग अलग श्रेणी है ये। अब इसमें लोक सेवा के क्षेत्र वाला जरूर याद रखना, हमारे लिए बहुत, हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जरूरी है, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पत्रकार के, अच्छा दूसरा सवाल पूछा ये भी जाता है कि पत्रकार जो पुलित्जर पुरस्कार है किस श्रेणी के लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ये पत्रकारिता के लिए ये दिया जाता है या पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए पुरस्कार है। अब देखो, अभी हमने एक पुरस्कार के बारे में बात की, याद रखना अभी ध्यान, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग होता है और अभी एक पुरस्कार आएगा आपको बुकर पुरस्कार, तो दोनों अलग है, ठीक है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, जनरली यहाँ पे कंफ्यूज जाता है, तो हमें याद रखना इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, कायरोस जो उपन्यास है उसके लिए मिला है और जेनी अपरवेक द्वारा लिखित है और माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित है, ठीक, याद रखा जाएगा, इंटरनेशनल वाली बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, लो भाई साहब, क्योंकि पहला है इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को मिला है ये पुरस्कार, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। आपको बता दूं ये पुरस्कार जो है, पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स के बयास के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, यानी दो लोगों को एक साथ मिला है, तो एक तो भारत मूल की जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री है जिनका नाम है बीना अग्रवाल, और साथ में अमेरिकी एक अर्थशास्त्री है ना, तो जिनका नाम है जेम्स के बयास, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, दोनों को। लेकिन चूंकि यहाँ पे भारतीय मूल भी हमें बताना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। चलो अब बुकर प्राइज की बात आती है, ठीक है, बुकर, देखो कायरोस वाली बात हो गई, किसके लिए, वो हो गई अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, है ना। अब देखो ये बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखते हैं, लंदन में आयोजित एक समारोह में बुकर पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदत्त किया गया, ठीक है, पॉल लिंच को किसलिए मिला है, तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार उनके लिए, उनके उपन्यास जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग्स, ठीक, इसके लिए पुरस्कार मिला है, यह भी हम याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखते चलना है। अब ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइस, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइस, देखो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइस, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को यह पुरस्कार मिला है और उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है ना, भारतीय मूल की है लेकिन ब्रिटिश लेखिका है जिनका नाम है नंदिनी दास। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा घोषित किया जाता है, पहली बात तो यही याद रखना है, एग्जाम में ये बात भी पूछी जाती है, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है तो देख लेते हैं, आप देखोगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जोसफिना बेल मांटे फिलीपींस, एलन मैक आर्थर फाउंडेशन यूके और ब्लू सर्किल चीन, जोर्स मैनुअल मोलर चिली के और काउंसलर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहाँ पे आप देखो कि पांच चीजों को मिला है, इसमें से आप देखोगे एक तो ये संस्था है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और कोई संस्था है क्या, तो उसके बाद आपकी ब्लूस, ये तो ठीक है, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे टोटल पांच यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिए, पांच मतलब व्यक्ति और संस्थाओं को मिलाकर पांच लोगों को मिले एक तरीके से। अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखो, यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड, चलो भाई साहब यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड किसको मिला है, याद होना चाहिए हमें, तो यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड मिला है, आप देख रहे हो हैरी केन को जो कि इंग्लैंड के हैं। एटीपी अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया के, आर्थर हैस और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये फेलिक्स आगर को, और उसके बाद आप देख रहे हो रॉन बुकमैन मीडिया अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड ले इक्विप के लिए, है ना, तो कुछ खतरनाक सा नाम है। चलो उसके बाद अब बात आती है नेक्स्ट, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अब बहुत तेजी से अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, फिर फिल्म पुरस्कारों पे हम चलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि नाम रहते हैं जिनके, ठीक है, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आ जाओ भाई सर इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली सब चीजें
क्लियरली दिख जाए, इसीलिए क्लियरली दिख जाए आपको, इसीलिए क्लियरली दिख जाए, ठीक है। चलो, तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार आप जानते हैं फाओ के द्वारा दिया जाता है, तो जेफरी हार्टिन और कैरी फाउलर को दिया गया है पुरस्कार, लिख लेंगे इस बात को, ठीक है, जेफरी हार्टिन और कैरी फाउलर को। वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार को मिला है, ठीक, और जो है आप देखेंगे सॉरी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ द्वारा तकनीकीविद एवं लेखक बालेंदु शर्मा ददीच, लोक गायिका मलिनी अवस्थी और बांग्ला पार्श्व गायिका जयती चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार कितने 7 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जहां के कहां के मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रविंद्र कुमार, ठीक है। पहली मिस एआई 2024 ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, फिर से आप देख लो, तो पहली मिस एआई 2024 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेनव्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को खिताब, प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता है, ठीक है। भारत की सारा या जारा शतावरी शीर्ष 10 में पहुंची थी, ये क्या है, मिस पहली मिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है ना, पहली मिस एआई, बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट याद रखते चलना है मैं सारी चीजें, ठीक है। चलो ओके, आ जाओ आगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024, वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 आप देखोगे तो मेक्सिको की एंजेला एलिना लोरियानो को दिया गया है पुरस्कार, वैश्विक छात्र पुरस्कार, ठीक है, तो कहां की, मेक्सिको की एंजेला एलिना को। उसके बाद हेंस वान हेंटिंग अवार्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर के चोल लिंगम को दिया गया है, प्रोफेसर के चोल लिंगम को दिया गया है, ठीक है, कहां के, तमिलनाडु के, हेंस वान हेंटिंग अवार्ड। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड उड़ीसा के प्रसिद्ध रेतकार को दिया गया है जिनका नाम है सुदर्शन पाठक, सॉरी पटनायक, इनका तो आपने खूब देखा होगा ना, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। लोकोर्नी फिल्म फेस्टिवल अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपको पता है शाहरुख खान को मिला है। पेन प्रिंटर प्राइज भारतीय प्रसिद्ध लेखक अरुंधति राय को मिला है, कल ही बात की थी हमने, ठीक है, और ये भी हमने शाहरुख खान वाली बात की थी। उसके बाद IAF वर्ल्ड प्रेस अवार्ड, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है, तो आपको बता दो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल फेडरेशन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो टीम चंद्रयान 3 है उसको मिला है, याद रखेंगे कौन सा नाम क्या है, IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 की टीम को मिला है, चंद्रयान 3 की टीम को मिला है, सो ये बात याद रखेंगे आप, ठीक, ये बात हम याद रखेंगे। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे RBI को मिला है, ठीक है, RBI को, इसीलिए आप देखो हमारी सरकारी कुछ भी उल्टी पुल्टी योजनाएं बना ले, लेकिन भाई साहब हमारा RBI फिर भी काफी जो है सेंसिटिव रहता है इसमें, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको, RBI को मिला है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट कल बात हुई थी हमारी, सो विनोद गनात्रा को मिला है, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता है नेल्सन मंडेला जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट। स्वार्थ संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार, आप देखो ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला निमहंस को मिला है, किसको, निमहंस को मिला है, बेंगलुरु में स्थित है, क्या नाम क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहंस, ऐसे निमहंस भी लिखा सकता है, तो आप दोनों याद रखेंगे पूरा नाम और शॉर्ट में भी। उसके बाद है आप देखोगे दक्षिण ये पुरस्कार है टेम्प लटन पुरस्कार 2024 दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर पुमला गुबोडो को ये मिला है पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है NWO स्पिनोजा पुरस्कार 2023, ये मिला है प्रोफेसर बेनेट एलिजिंगा और प्रोफेसर डट लेगवान बुरेन को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हमारे लिए देख रहे हैं, ये जो वैश्विक अवार्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। विटली अवार्ड किसको मिला है ये सब हम बात करेंगे अभी सब।
तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो एनी एप्पल बाउम को मिला है ये पुरस्कार। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, याद रखेंगे नाम बड़ा सा है लेकिन याद रखें, क्योंकि भारत के लिए कोई अवार्ड मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय अवार्ड तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को ये मिला है। WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार ये किसको मिला है, तो उड़ीसा के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को मिला है, बहुत अच्छी बात है ना। तो WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार उड़ीसा के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को मिला है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब मिला है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सवाना आजमी को। मिस USA 2023 तो सवाना गेंकी विकज है, और नोवा ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज मिला है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स द्वारा दिया जाता है, भाभी मेहता को मिला है। ठीक है, भाभी मेहता। विटली गोल्ड पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव के लिए, मतलब वन्य जीव संरक्षण की दिशा में दिया जाता है, एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है विटली गोल्ड अवार्ड। ठीक, तो असम की वन्य जीव विज्ञानी जिनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक, विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। यूनेस्को गुइलम्बो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड 2024 गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिलिस्तीनी जो गाजा में क्या हुआ आपने देखा, ठीक, खतरनाक। तो यूनेस्को गुइलम्बो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये मिला है। ठीक है, गाजा को कवर करने के लिए। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ACM ट्यूरिंग अवार्ड 2023 इसराइल के प्रसिद्ध गणितज्ञ AB बिगडरसन को मिला है ये पुरस्कार। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 वर्ल्ड लिटरेरी पुरस्कार 2024 तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को दिया गया है ये अवार्ड। किसको, ममता जी सागर को। तो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024। ठीक, तो ममता जी सागर को मिला है, कन्नड़ लेखिका है, WOW के द्वारा ये दिया जाता है। चलिए, जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 इसरो के चंद्रयान 3 टीम को मिला है। अब देखो, चंद्रयान 3 टीम के लिए काफी अवार्ड मिले, तो जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम को यह पुरस्कार मिला है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जॉन डर्क्स कनाडा गेंडर्नर पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो भारतीय बायोलॉजिस्ट एवं बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है जिनका नाम है गगनदीप कांग को। ठीक, तो डॉक्टर गगनदीप कांग को क्या मिला है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जॉन डर्क्स कनाडा गेंडर्नर पुरस्कार। उसके बाद मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह को मिला है ये। उसके बाद यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लीप जिंग पुरस्कार अवार्ड ये मिला है किसको, तो आप देखोगे ये पुरस्कार मिला है जर्मन इजरायली दार्शनिक ओमरी बोमन को मिला है। ठीक है, और उनकी एक पुस्तक है रेडिकल यूनिवर्सलिज्म बियॉन्ड आइडेंटिटी, इसके लिए मिला है यूरोप। तो पुरस्कार का नाम क्या, यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लीप जिंग पुरस्कार, ये लीप जिंग पुरस्कार मिला है, तो किसके लिए, जर्मन इजरायली दार्शनिक है जिनका नाम है ओमरी बोहम। स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस तो प्रोफेसर ताइकन को मिला है, ताइकन ओकी कहां के, जापान के हैं, ताइकन ओकी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, तो कहां के हैं, जापान के हैं। अब फुकुओका पुरस्कार 2024 ग्रैंड पुरस्कार दे तो मानवे को मिला है, शैक्षणिक पुरस्कार भारतीय मूल के सुनील अमृत को मिला है, और कला एवं संस्कृत के लिए ये दक्षिण कोरिया के किम सूजा को मिला है। ठीक है, तो अब देखो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार का नाम क्या है, फुकुओका पुरस्कार, तो हमें किस श्रेणी में मिला है, शैक्षणिक पुरस्कार भारतीय मूल के सुनील अमृत को मिला है। ठीक है, बाकी फुकुओका पुरस्कार में ग्रैंड पुरस्कार दे तो मानवे को, और उसके बाद कला एवं संस्कृति पुरस्कार मिला है, यानी
ये फुकुओका पुरस्कार में ही कला एवं संस्कृति वाले में तो ये मिला है किन सुजा, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वीडन के एक भाई साहब हैं जिनका नाम है, कहां चले गए, जिनका नाम है जोहान रॉकस्ट्रोम, ठीक, जो कि स्वीडन के पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु ये टाइलर पुरस्कार इनको मिला है। तो आपसे पीसीएस ने यह भी पूछा है कि टाइलर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि टाइलर पुरस्कार आखिर किस लिए दिया जाता है, यह भी पता होना चाहिए आपको, ठीक, दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, टाइलर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु मार्कोनी प्राइस टेरेसा एच मैंग को मिला है। एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला, आपको जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाता है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। सो एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। मार्कोनी प्राइज किसको मिला है, तो टेरेसा एच मैंग को मिला है। उसके बाद IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वीं IAA विश्व कांग्रेस में भारत के स्त्री निवासन स्वामी को प्रदत्त किया गया। तो लिख लो इसको, भारत के किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिलना हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट रेकेन यामामोटो को प्रदत्त किया गया। उसके बाद इरास्मस पुरस्कार 2024 नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन द्वारा भारतीय लेखिका अमिताभ घोष को मिला है। खसरा और रोबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत को दिया गया है ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो खसरा और रोबेला को खत्म करने के दिशा में जो हमने काम किए उसको देखते हुए हमारे पुरस्कार मिला खसरा और रोबेला चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद सातवां रोमन रोलैंड बुक प्राइज तो बंगाली अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। युवा वैज्ञानिक के लिए जो है ब्लावनटिक पुरस्कार जो है ये आप देख रहे हो, तो भारत मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर राहुल आर नायर को मिला है, ठीक है। उसके अलावा भारतीय मूल के डॉक्टर तन्मय भरत और मेहुल मलिक फाइनलिस्ट में रहे, मतलब फाइनल में रहे हैं, लेकिन ये पुरस्कार आप देखो किसको मिला है, तो ये मिला है भारत मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर राहुल आर नायर को, ठीक, अच्छी बात है। बाकी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड भारतीय मूल के वकील एवं यूके इंडिया लीगल साझेदारी के संस्थापक और अध्यक्ष अजीत मिश्रा को मिला है ये पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है, ठीक, तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ठीक। नोवा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइस, नोवा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइस आइसलैंड के वासिक में स्थित एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को पुरस्कार मिला है। ये हमने बताया था आपको ऑलरेडी। सो नोवा लीफ एरिक्सन पुरस्कार, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। लूनर प्राइस इसको मिला है तो इसरो को, ठीक। पिछली बार आपने देखा इसरो ने चंद्रयान 3 को किस तरीके से सफल बनाया और इस वजह से उन्हें काफी पुरस्कार मिले, ठीक है। और देख लेते हैं अब पांचवा मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल पुरस्कार आस्था रावल ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो ये जो है न्यूयॉर्क में दिया गया पुरस्कार और ये भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने जीता है, ठीक है। और किंग भूमबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार द सॉयल एंड फर्टिलाइजिंग सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला है ये, ठीक है। क्या किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार। उसके बाद आठवा ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार, मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है इसे, ठीक। तो ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार, तो हमने क्या बोला कि ये सर्वोच्च पुरस्कार है मृदा विज्ञान के क्षेत्र का। सो भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रविंद्र या रवि नायडू को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलो भाई हम मृदा विज्ञान में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वाइस पुरस्कार भारत की सफीना हुसैन को मिला है। उसके बाद नेनसेन शरणार्थी पुरस्कार सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्ला ही मिरे को मिला है। ये पुरस्कार का नाम याद रखना, नेनसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्ला ही मिरे को मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2023 यूक्रेन की सोफिया को ये पुरस्कार तथा एक दूसरे हैं वो है अनास्तासिया डेमेंचो को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका और इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को यह पुरस्कार दिया है। और ये आपको बता दूं, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई है, ठीक है। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो सुधा मूर्ति को। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और ये मिला किसको है? तो सखारोव पुरस्कार। तो सखारोव पुरस्कार आप देखोगे तो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जिना महसा अमीनी को मरणोपरांत और ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को इन्होंने चलाया है, ठीक है। तो जिन महसा अमीनी को यह पुरस्कार दिया गया सखारोव 2023 याद रखना है, ठीक है। किसको? तो जिना महसा अमीनी को। नॉर्मन बोरलॉग फ्रीडम पुरस्कार 2023 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को यह दिया गया है, ठीक है। कौन सा? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार, ठीक है, याद रखेंगे। तो विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, यह है। और डॉक्टर स्वाति नायक को यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सांख्यिकी अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 तो सांख्यिकी विद सी आर राव को दिया गया है। सी आर राव, ओके, सी आर राव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको? आप देखो, ये तो हो गया बात, ये अब देखो कुछ महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार है तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक, जल्दी जल्दी। चलिए तो आप फिल्म पुरस्कार को हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर बार पूछे जाते हैं इससे सवाल। तो फिल्म पुरस्कारों से संबंधित देख लेते हैं क्या क्या है। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन ये कब हुआ? अगस्त में हुआ। ये घोषणा कब हुई इनके पुरस्कारों की? तो अगस्त 2024 में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, देखो ये जब भी हम पुरस्कार देखें फिल्म पुरस्कार खासतौर में, तो हम ये जरूर देखें किस फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो ये हो रहा है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये जरूर देखा करो ना। अब यहां पे आप देखोगे इसमें पुरस्कार किसको मिला है, क्या मिला है, देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें देख रहे होगे कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो अट्टम को मिला है। द प्ले एक प्ले है, मलयालम प्ले है, और इसके जो निर्देशक रहे हैं, निर्देशक या डायरेक्टर रहे हैं, वो रहे आनंद एकादशी, ठीक है। तो इनका याद रखना, संपूर्ण मनोरंजन को प्रदान करने वाली ऐसी कौन सी जो है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी, वो है कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है कांतारा, बहुत शानदार मूवी है। उसके बाद ऋषभ सेट्टी ने इसको निर्देशन दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो कौन है? सूरज आर बाटजात्या को मिला है ये पुरस्कार। किसको? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिंदी के लिए। और कौन सी फिल्म इन्होंने बनाई है? ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, समझ रहे हो? सास किस लिए के बात हो रही है? देखो हमारे प्रशासन के दृष्टिकोण से तो अच्छी बात है ना, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन बनी है? तो ये है कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस गुजराती है, ठीक, और निर्देशक इसके कौन रहे हैं? विरल शाह। उसका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, निर्देशक कौन है? राहुल बी चित्तेला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ सेट्टी, किसके लिए? कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ सेट्टी, कांतारा के लिए इस बार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन, फिल्म तिरुचित्रबलम के लिए, ठीक है। उसके बाद मानसी पारेख, यहाँ पे दो लोग हैं, आप याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में दो है, ठीक, तो एक तो नित्या मेनन है और एक मानसी पारेख है। मानसी पारेख किसके लिए? कच्छ एक्सप्रेस के लिए। कच्छ एक्सप्रेस सामाजिक मूल्यों पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने में सबसे सफल फिल्म रही है, उसको अवार्ड मिला है इसके लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन राज मल्होत्रा, फिल्म फौजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता, फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका मौमी जयश्री। उसके बाद विशेष उल्लेख जो है कुछ है, जैसे अभिनेता मनोज बाजपेयी, फिल्म गुलमोहर के लिए, और संगीत निर्देशक अजय
सलिल चौधरी के लिए विशेष उल्लेख है इनका, ठीक है चलो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, अभी अलग अलग है सर है ना, तो 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, सो द गोल्डन कोच पुरस्कार यहाँ पे दिया गया निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म द गोल्डन पेट के लिए। पुरस्कार की राशि रही है 10,00,000 रुपए। गोल्डन कॉन्च पुरस्कार निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित है, फिल्म का नाम है द गोल्डन थ्रेट, ठीक है आगे चलते भाई साहब। फिल्म का नाम हो गया, अब नेक्स्ट फिल्म कौन सी है अंतर, देखो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, अभी 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, अब इसके लिए देख लेते हैं एक करके। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित हुआ है। उसके बाद ओपनिंग फिल्म कौन सी रही है, तो कैचिंग डस्ट, जो जिसका निर्देशन किया है स्टुअर्ट गेट ने। उसके बाद मिड फेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो अबाउट ड्राई ग्रासेस, जो कि निर्देशित किया है नूरी बिगली ने। और क्लोजिंग फिल्म कौन सी रही, द फीदर वेट, तो ये निर्देशित की है रॉबर्ट कोल्डनी ने। इस महोत्सव में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इस प्रकार है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है किसको, अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर के लिए, ठीक है, तो एंडलेस बॉर्डर के लिए मिला है क्या, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म है जिसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद है ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला है एंथनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट के लिए, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण बात है इस पुरस्कार में, वो भी देख लेते हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है ना OTT अवार्ड में देखें तो अमेजन पे जो सीरीज आई थी पंचायत 2 सीजन के लिए मिला है, पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, तो हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 वाला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के स्टीफन कोमांडरोव फिल्म, इसके लिए फिल्म का नाम है ब्लॉग आच लेसन्स, ठीक। सो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बुल्गारिया के स्टीफन को मिला है, ठीक है अच्छी बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फौरिया रहीमी सैम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी को मिला है पुरस्कार, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी को और पार्टी ऑफ द फूल्स के लिए। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को मिला है और ये कांतारा के लिए, अच्छी बात है। अभी बस थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ फिल्म पुरस्कार है, दैट्स इट फिर है ना, तो इतना और देख लेते। अब देखो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी इसके संदर्भ में, जो 18वां गोल्डन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें आप देखो थोड़ा सा अंतर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म पुरस्कार सौर मिल्क को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, तो जिमा को मिला है, पोलैंड से संबंध रखते हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, 6A आकाश गंगा, देखो पूरा नाम है 6A आकाश गंगा, तो आपको बता देना है किस क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड। अब चलो 77वां कांस फिल्म महोत्सव 2024 आयोजित कहां पे हुआ, कांस में, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। 77वां कांस फिल्म महोत्सव कांस में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पॉम डी ओर पुरस्कार मिला है अनुरा को। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार फिल्म पायल कपाड़िया की फिल्म को मिला है जिसका नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट, है ना, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, तो ये ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है कॉन्स में, है ना, कॉन्स फेस्टिवल में। उसके बाद पायल कपाड़िया यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं कौन, ये भाई साहब बने हैं मिगुएल गोम्स, फिल्म किसके लिए, ग्रैंड टूर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
जेसी प्लेमोंस फिल्म काइंड्स ऑफ काइंडनेस के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एडिना पज जोर ए सल्दाना, कार्ला सोफिया और मतलब सेलिना गोमेज। आप देखो कई लोगों को मिला है एक साथ, है ना, कॉन्स फेस्टिवल में। तो एडिना पज जोए सल्दाना, कार्ला सोफिया गेस्कन और सेलिना गोमेज, ठीक। तो आप देख रहे हो इस तरीके से किस फिल्म के लिए मिला है सबको, तो एमिलिया पेरिस को, ठीक है, एमिलिया पेरिस को। कोलकाता की रहने वाली अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने अर्नेस्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है, ठीक है। उसके बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, और यह पुरस्कार फिल्म द सेमलेस के लिए मिला है, ठीक है। तो इनका ये नाम याद है, कॉन्स फेस्टिवल में हमारा कहीं कुछ नाम रहा है, तो आप बोलोगे हाँ। कलकत्ता की रहने वाली अनसुईया सेनगुप्ता, उन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में, किसमें, अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो आप बोलोगे श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है, और किस फिल्म के लिए, तो द सेमलेस के लिए, ठीक है। बस अब ऑस्कर के लिए देख लेते हैं। 96th ऑस्कर 2024 10 मार्च 2024 को ये बताया गया था। तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित एक समारोह हुआ है, और उसमें ये दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये ऑस्कर जरूर याद रखना आपको, ठीक है, 96th वाला। तो ओपेनहाइमर के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो है आपके क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपेनहाइमर के ही निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये आपको बता दूं किलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर के लिए, ओपेनहाइमर से संबंध रखते हैं, मतलब उसी के जो है अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये अलग है, तो एमा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स के लिए ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वो मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म ओपेनहाइमर के लिए, ठीक। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो ये आप देखोगे तो डा वाइन जाय रेडोल्फ को मिला है, और किस फिल्म के लिए, फिल्म का नाम था होल्ड ओवर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके के लिए मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म, देखो यहां पे दो चीजें हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म, दोनों चीज में अंतर है। तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म कौन सी रही है, ये रही है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रही है द बॉय एंड द हीरोइन, है ना, द बॉय एंड हीरोइन ये रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अब 30वां वार्षिक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस में हुआ है आयोजित, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें रहे क्लियन मर्फी ओपेनहाइमर वाले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है लिली ग्लेनस्टोन फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म बाय अ कास्ट इन के मोशन, ये ओपेनहाइमर के लिए मिला है। अब 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, देख ले, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन हुआ है, और प्रमुख पुरस्कार किस किस को मिला है, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये फ्लावर्स के लिए, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए मिलता है, ये म्यूजिक की फील्ड का अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ठीक। तो प्रमुख पुरस्कार किसके लिए, तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस को मिला है। उसके बाद आप देखोगे एल्बम ऑफ द ईयर क्या रहा है, मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट का है। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये रहा है फिल्म बारबी में है, ठीक। आप देख रहे हो ये प्रमुख पुरस्कार है किसके संबंध में, ग्रैमी अवार्ड संबंध है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट विक्टोरिया मोनेट को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको, फ्लावर्स के लिए मिला है, किसकी है, जो है ये माइली साइरस की है, ओके। अब आपको बता दें इसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात कि ग्रैमी अवार्ड में सो भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। तो ये जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, और ज्यादा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बैंड में जॉन मैकलगिन तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश वी और गणेश राजगोपालन शामिल थे। अच्छी बात है। इसमें जाकिर हुसैन ने राकेश चौरसिया के साथ ट्रैक फस्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो जाकिर हुसैन ने राकेश चौरसिया के साथ अपने
ट्रैक फस्तो क्लिक सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, इसमें जिसमें संगीतकार बेला ब्लेक और एडगर मेयर शामिल थे। अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हो जाएगी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बस 10 मिनट की बात हो रहा है। अब देखो, एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड अलग होते हैं, एमी अलग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 न्यूयॉर्क सिटी में ये आयोजित हुआ है अवार्ड। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज रही है इम्प्रेस, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज रही है वीरदास लैंडिंग, जो कि भारत से संबंध रख रही, और एवं जो है एक और दूसरी रही है वो रही है डेरी गर्ल्स सीजन 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं मार्टिन फ्रीमैन, और जो कि फिल्म रिस्पॉन्डर में उन्होंने काम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कार्ला सुजा, जो कि ला कैडा डाइव इस मूवी में उन्होंने काम किया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही है, मारियो पोल द पीपल्स स्टोरी। और आपको बता दूं, भारत की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, हमारे लिए सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि भारत की प्रसिद्ध निर्माता, वो जिनका नाम है एकता कपूर, और इन्होंने इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय भी बन गई है इस संदर्भ में। अब देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और भी हैं, तो उनको हम लेकिन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे कि अब देखो, एक तरफ यहाँ पे पुरस्कार आपको दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ दिख रहा होगा आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो ये देखना है हमें, ठीक है, एक एक करके। और एक तरफ लिखा है पुरस्कार, तो 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो हुआ है, इसमें आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं वो कार्तिक आर्यन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है वो पार्वती थ्रुबोथु रही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे वो कबीर खान और नीलिथन स्वामीनाथन रहे, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फिल्म रही है, ठीक है। उसके बाद 77वां बाफ्टा पुरस्कार में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, और सर्वश्रेष्ठ जो क्रिस्टोफर निर्देशक जो है वो क्रिस्टोफर नोलन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओपेनहाइमर रही है, ठीक है, ओपेनहाइमर रही है। इसी तरीके से 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, इसमें से भी दो होते हैं, एक ड्रामा वाला, एक म्यूजिक और कॉमेडी वाला होता है, ठीक है। तो ड्रामा श्रेणी में देखें तो किलियन मर्फी और लिली मैन ग्लेस्टोन महिला में, और जो यदि बात करें निर्देशक में तो जो है सॉरी निर्देशक नहीं हाँ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में तो ये इसमें रहे आपके क्रिस्टोफर, एक मिनट कहाँ चला गया, क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो याद रखना, तो थोड़ा सा ये अलग याद रखना कि म्यूजिक श्रेणी में आप देखो पॉल गिमाटी है और एमा स्टोन है, और यहाँ पे आप देखो 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में तो यहाँ पे ड्रामा सीरीज में लिली गैलेस्टोन है, ठीक है। फिल्म देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर रही है इसमें भी, और यदि म्यूजिक और कॉमेडी में देखेंगे तो पुअर थिंग्स रही है, ठीक है। उसके बाद 74वां बर्लिन फिल्म फेस्टिवल देखेंगे तो सेबेस्टियन स्टोन, सोफिया ओटेरो बेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए रही है, नेल्सन कार्लो डिलॉक्स सेंटलोस एरियस और डलोमी। ये पूरी एक टेबल है, आप इसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 अवार्ड में देखेंगे तो यदि देखेंगे तो शाहरुख खान को मिला है ये अवार्ड। उसके बाद अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में बात करें इसमें, तो इसमें आप देखोगे तो रानी मुखर्जी किसके लिए, नोट मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर के लिए, और ये जो नयन तारा के लिए मिला है इसे, ठीक है, रानी मुखर्जी के लिए एक ये एक एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी के लिए मिला है, और किसके लिए मिला है याद रखना, मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, और किस मूवी में काम किया इस तरीके से उन्होंने, तो नयन तारा के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है, तो संदीप रेड्डी भंगा को जवान मूवी के लिए, ठीक है, जवान मूवी के लिए। इसमें यहाँ पे मैं बोलूँ कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सबसे महत्वपूर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो जवान रही है, ठीक है। इस तरीके से 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं विनोद चोपड़ा, और मूवी रही है 12th फेल सर्वश्रेष्ठ मूवी, ठीक है। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अब
कुछ अन्य पुरस्कार हैं, एक देख लेते हैं, जैसे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 भारत की प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, 53वें की बात हो रही है, ठीक है, तो ये वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे कि जो है अभी लेटेस्ट है ना, हाँ अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे अभी लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है। तो देखो इस वाली में एक्चुअली ना अभी पुराना सितंबर तक ही कवर है, इसमें बताओ अभी हाल में ही किसको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। तो हमने आपसे पूरा आपको बताया भी था ना, कल ही तो करवाया था, कल या परसों बताया था कि नहीं बताया था, लेटेस्ट मिथुन चक्रवर्ती को मिला ना। ठीक, किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, ये हमारा अवार्ड्स वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया और बाकी और चीजें आएंगी तो वो भी करवाएंगे। यस बहुत बढ़िया, मिथुन चक्रवर्ती, प्रिया प्रियंका बता रही है, रोहित बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सोना मारिया, यस ठीक है, और पूजा ने भी सही आंसर बताया, तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। और ये जो ये पूरी इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, थैंक यू।